लास्ट क्लास तक सबको क्लियर है? किसी को डाउट है लास्ट क्लास में जो हमने देखा था? आज हमारे लेक्चर में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का करेक्टरिस्टिक पढ़ना है, ठीक है? कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन एमिटर के करेक्टरिस्टिक्स, और उसके बारे में जानेंगे कि कैसे वो करेक्शन होते हैं उनके। सो एज यू कैन सी इन दिस फिगर, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात कर रहे हैं। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मींस इनपुट वेरिएबल्स क्या है हमारे पास। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, अगर आपको याद हो फिगर, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होता है। इस कॉन्फ़िगरेशन में आप देख सकते हो इनपुट साइड आपका बिलोंग कर रहा है एमिटर और बेस पे, ठीक है, और आउटपुट साइड में आपका कलेक्टर और बेस आ रहा है। तो इनपुट साइड के वेरिएबल्स क्या हैं आपके, इनपुट साइड के वेरिएबल्स क्या हैं? वी बी ई, ठीक है, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर, एंड करंट की अगर बात करें इनपुट में तो आई ई है। आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो आउटपुट साइड पे वेरिएबल क्या होगा वोल्टेज में? वी सी बी, और करंट में क्या होगा? आई सी। इनपुट आउटपुट के वेरिएबल्स क्लियर है सबको? कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं इनपुट आउटपुट के वेरिएबल्स, कंफर्म कीजिए। यस सर। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक बनाना है। मतलब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हुआ, इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में क्या कैरेक्टरिस्टिक बनेगा। तो हमें ये पता है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्टिव रीजन में काम कर रहे हैं। एक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है, जो एमिटर बेस जंक्शन है दैट मस्ट बी इन फॉरवर्ड बायस रीजन, और जो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन है वो आपका रिवर्स बायस रीजन में रहेगा। तो फॉरवर्ड बायस रीजन में कभी भी आपका डायोड होता है तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक फॉलो करते हैं। तो सेम प्रोसीजर, सेम कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे फॉलो होगा जो हम डायोड में देखते हैं। तो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बनी हुई है, आप देख सकते हो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक है ये। अप टू सर्टेन वोल्टेज इसकी वैल्यू ज़ीरो है, करंट की वैल्यू ज़ीरो है। ये वर्टिकल एक्सिस आपका करंट डिनोट कर रहा है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपका वोल्टेज डिनोट कर रहा है। दिस इज आई ई, ठीक है, करंट इन एमिटर, और ये आपका वी बी ई, वोल्टेज बिटवीन बेस एंड एमिटर। नाउ इसकी वैल्यू डायोड की तरह है, डायोड की कैरेक्टरिस्टिक फॉलो कर रही है, तो एज इट इज़ आपको डायोड की कैरेक्टरिस्टिक बनानी है। अब चेंज कहाँ पे आ रहा है, चेंज आपका इस पोजीशन पे आ रहा है कि कितने अमाउंट का आप इन्वर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, मतलब रिवर्स बायस जो आप अप्लाई कर रहे हो वो कितने अमाउंट का है। तो जनरली जो हम इस वोल्टेज की बात कर रहे हैं, इस वोल्टेज की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपको जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो जितना आप रिवर्स बायस बढ़ाते जा रहे हो उतना आपका करंट में इंक्रीमेंट हो रहा है, आप देख सकते हो उसमें। यहाँ पे क्या है, वी सी बी 1 वोल्ट है, देन 10 वोल्ट है, देन 120 वोल्ट है। तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज जैसे जैसे आप बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में क्या चीज़ें कॉमन है, जैसे हम फॉरवर्ड बायस डायोड में देखते हैं वैसे ही सेम कैरेक्टरिस्टिक आपको इसमें बनानी है, और डायोड की कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग बनाने के बाद आपको वी सी बी वेरी कराना है। जब वी सी बी आप वेरी करा रहे हो तो आपका करंट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है कम वोल्टेज पे, वी बी के कम वोल्टेज पे। नाउ वी बी वर्सेज आई कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आई ई इंक्रीजेज रैपिडली विथ वी बी ई, इट मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। अब जब हमने रेजिस्टेंस की बात की थी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, वी अपॉन आई, ठीक है। तो आप याद करो एक लेक्चर में मैंने बताया था कि इन आपके पास अगर आई और वी का ग्राफ हो तो उससे डायरेक्टली रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, किसी को याद है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ से? हाँ या ना में जवाब दो। आई थिंक किसी को याद नहीं है। सो इस फिगर में आप देखो आई और वी का ग्राफ दिया है,
अगर यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे हम एक टेंजेंट बनाएं, ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा। टेन थीटा रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप की वैल्यू आपकी कैसे डिसाइड हो रही है, टेन थीटा इक्वल्स टू होता है वाई बाई एक्स, ठीक है। तो वाई एक्सिस क्या है, यहाँ पे वाई एक्सिस आई को डिनोट कर रहा है, एक्स एक्सिस आपका वी को डिनोट कर रहा है। दैट मीन्स कि टेन थीटा को आप लिख सकते हो आई बाई वी, टेन थीटा को आप क्या लिख सकते हो आई बाई वी। अब आई बाई वी क्या होता है, वन अपॉन आर। दैट मीन्स स्लोप इज इन्वर्सली रिलेटेड टू रेजिस्टेंस, तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ये बात क्लियर है सबको, कैसे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ इसमें, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर, यस सर, क्लियर। तो स्लोप जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। अब यहाँ पे आप देखो, इस केस में स्लोप आपका बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आप वी सी भी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे स्लोप बढ़ता जा रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में जैसे आप जाओगे स्लोप आपका बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप वी सी भी बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आई ई इज ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वी सी बी, ठीक है, ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है क्योंकि बहुत ही स्लाइट चेंज आ रहा है। बट अगर आप इसको एक्चुअली इसके जो आपका रिलेशन होता है आई ई का, अगर उससे कंपेयर करोगे तो वो आप पाओगे कि इसमें डायरेक्टली ये डिपेंडेंट होता है वी सी बी पे। और वो कैसे डिपेंडेंट होता है, वो उसको हम एक अलग टॉपिक में डिस्कस करते हैं, उसका नाम होता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। बेस विड्थ मॉड्यूलेशन एक टॉपिक है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप अभी ये मान के चलो कि आई जो है वो वी सी बी पे बहुत ही कम डिपेंडेंसी है और इसको आप ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट बोल सकते हो। बट जो एक्चुअल इसका फैक्ट है वो क्या है कि वी सी बी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। जैसे जैसे आप वी सी बी बढ़ाते हो, तो अगर आपको याद हो वी सी बी का इफेक्ट क्या होगा, वी सी बी का इफेक्ट क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे जैसे आप वी सी बी बढ़ाओगे ये रिवर्स बायस और बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आपका रिवर्स बायस बढ़ेगा दैट मीन्स कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ती जाएगी। रिवर्स बायस का मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू और बढ़ा रहे हो आप, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा रहे हो दैट मीन्स कि आई सी आपका कम होगा, ठीक है, आई सी आपका कम होगा, तो इससे आपका आई सी पे इफेक्ट आ रहा है, और जब आई सी कम होगा तो ऑब्वियसली आपका आई ई भी कम होने लगेगा, क्योंकि आई सी और आई ई में भी रिलेशन होता है, आई ई इक्वल्स टू आई सी प्लस आई बी। तो इसका रिलेशन तो है, मतलब ये इफेक्ट तो कर रहा है, बट अभी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट है। क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है, क्लियर है। इसके बाद आता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम किस में निकालते हैं, हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जनरली आउटपुट वेरिएबल्स में निकालते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट वेरिएबल क्या है, एक बार फिर से फिगर देखो आप, आउटपुट वेरिएबल है आपका करंट आईसी एंड वोल्टेज वीसीबी। तो करंट आईसी और वोल्टेज वीसीबी, सॉरी आईसी और वी सी बी, यहाँ पे आपको इनके बीच में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। अब जो इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है वो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक होगा, तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या मिलेगा हमें, तो कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलता है रिवर्स बायस केस में, ठीक है। तो रिवर्स बायस केस में जब आप देखते हो तो ऐसा कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगा, और इसमें ये वाला रीजन जो होता है इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, और इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में आपका ट्रांजिस्टर वर्क नहीं करता है, और सैचुरेशन रीजन में आपका दोनों फॉरवर्ड बायस होता है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ये दोनों रिवर्स बायस होगा, ये दोनों फॉरवर्ड बायस होगा, और यहाँ पे इनपुट साइड आपका फॉरवर्ड बायस होगा, आउटपुट साइड रिवर्स बायस होगा। तो ये आपका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होता है। वी बी सी वर्सेज आई सी कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आई सी वेरीज लीनियरली विथ वी बी सी, इसमें आप देख सकते हो आई सी जो है वो वी बी सी के लीनियरली वेरी कर रहा है अप टू सर्टेन वोल्टेज,
ओनली वेन वी बी सी इज़ वेरी स्मॉल, जब वी बी सी की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। तो यहाँ पे माइनस वन से ज़ीरो के बीच में वैल्यू लाई कर रहा है वी बी सी, और जैसे ही आपका वी बी सी पॉजिटिव हो रहा है तो कांस्टेंट वोल्टेज कांस्टेंट करंट आपको मिल रहा है, ठीक है, जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो, मतलब ये ब्रेकडाउन रीजन है एक तरह से। इसके बाद इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बाद हमें बात करना पड़ेगा इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फिग्रेशन। सो इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसका भी फॉर्मूला एज इट इज़ आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे हमने स्लोप फाइंड आउट किया था ग्राफ से। तो इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा, तो इनपुट वेरिएबल आपका वी बी ई है, डेल्टा वी बी ई डिवाइड बाई डेल्टा आई ई, ठीक है। उसके बाद इनपुट रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, द रेशियो ऑफ चेंज इन एमीटर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन एमीटर करेंट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस। देन आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, आउटपुट वेरिएबल पे डिपेंडेंट होगा, द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन कलेक्टर करंट इज कॉल्ड आउटपुट रेजिस्टेंस। सो आर आई इज इनपुट रेजिस्टेंस, आर नॉट इज आउटपुट रेजिस्टेंस, और इनकी वैल्यूज ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। देन कॉमन एमिटर कनेक्शन कैसे होगा, अभी तक हमने जो देखा वो कॉमन बेस कनेक्शन था। कॉमन एमिटर कनेक्शन में क्या होगा, एमिटर टर्मिनल कॉमन रहेगा। तो इसमें आप देखो ये आपका ट्रांजिस्टर है, जिस साइड एरो होता है वो आपका एमिटर टर्मिनल डिनोट करता है, तो ये आपका एमिटर है, ऑपोजिट साइड वाला जो होगा वो कलेक्टर होगा। तो एमिटर को कॉमन करना है हमें, एमिटर हमारा कॉमन हो गया कलेक्टर के साथ भी और बेस के साथ भी। अब इनपुट साइड आपको डिसाइड करना है कौन सा है, तो बेस और एमिटर के बीच का जो साइड है उसमें आपको इनपुट सिग्नल अप्लाई करना है, और कलेक्टर और एमिटर के बीच में आपको आउटपुट रिसीव करना है, ठीक है। तो आउटपुट आपका आरसी के अक्रॉस ले सकते हो आप, और ये आपका रिवर्स बायस में वोल्टेज आपने अप्लाई किया है वीसीसी, और वीबीबी आपने फॉरवर्ड में बायसिंग वोल्टेज अप्लाई किया है। यहाँ पे आपका सिग्नल होगा जिसको एम्पलीफाई करना है हमें। अब ये आपका एनपीएन में है, कॉन्फ़िगरेशन में है, ये आपका पीएनपी में हो जाएगा। पीएनपी में बस जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी करंट्स की, और इनपुट सेम रहेगा आपका बेस और एमिटर के बीच में, कलेक्टर आप और एमिटर के बीच में आपको आउटपुट रिसीव करना है। सो फर्स्ट फिगर शोज कॉमन एमिटर एनपीएन कॉन्फ़िगरेशन, एंड सेकंड फिगर शोज कॉमन एमिटर पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन बेस में एक चीज़ आप याद रखना, कॉमन बेस में जब हम एम्पलीफिकेशन फैक्टर की बात करते हैं तो वहाँ अल्फा की टर्म्स में उसको बताते हैं, ठीक है, अल्फा के टर्म्स में हम बताते हैं, याद हो अगर आपको, ये अल्फा हमने बताया था आपको, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर अल्फा, एंड अल्फा क्या होता है आपका डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, मतलब आउटपुट वेरिएबल क्या है आपका आई सी, इनपुट वेरिएबल क्या है आपका आई ई। तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई व्हेन वी सी बी इज कॉन्स्टेंट, जब आपका वी सी बी कॉन्स्टेंट है उस इंस्टेंट पे अल्फा की वैल्यू ये आपने फाइंड आउट किया है। जब आप कॉमन एमिटर की बात करते हो तो उस केस में जो प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट होता है वो आपका बीटा होता है, ठीक है, और बीटा की वैल्यू क्या होती है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। डेल्टा आई सी हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये आउटपुट वेरिएबल है आई सी, और डेल्टा आई बी आपका इनपुट वेरिएबल है। फिर से देखो, आई सी आपका आउटपुट वेरिएबल है, आई बी आपका इनपुट वेरिएबल है, तो आई सी बाई आई बी आपका बीटा हो गया। इसको हम बोलते हैं बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, तो वो भी आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर था, ये भी आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन और अल्फा इज ऑलवेज लेस देन वन। ऐसा क्यों होता है, इसमें आप देख सकते हो, बीटा का जो वैल्यू है वो है आपका डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, आई सी हमेशा आई बी से बड़ा होता है ये हमें पता है, ठीक है, तो बीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। अब अल्फा का वैल्यू देखो आप, अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा की वैल्यू होती है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई, तो हमें ये पता है कि आई सी आई ई जो होता है एमिटर करंट होता है वो समेशन ऑफ कलेक्टर एंड बेस करंट होता है, तो ऑब्वियसली जो आई ई की वैल्यू होगी वो हमेशा बड़ी होगी विद रिस्पेक्ट टू आई सी,
तो ये अल्फा की वैल्यू हमेशा लेस देन वन होगी। ये क्लियर है सबको, अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे आ रही है? सबको क्लियर है? आवाज जा रही है आप तक? हेलो, यस सर, क्लियर। यस सर। सो इन कॉमन इमिटर कनेक्शन इनपुट करंट इज बेस करंट एंड आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट। द रेशियो ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट टू द चेंज इन बेस करंट इज नोन एज बेस करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा। सो बीटा इक्वल्स टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। नॉर्मली ओनली 5% ऑफ इमिटर करंट फ्लोज टू बेस, सो एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज ग्रेटर दैन 20। यूजली दिस रेंज वेरीज फ्रॉम 20 to 500। सो आप देख सकते हो जो बेस करंट होता है वो जनरली 5% होता है, 5% अप्रॉक्सीमेटली हम मानते हैं कि 5% ऑफ इमिटर करंट फ्लो होता है। तो अगर आप परसेंटेज निकालोगे तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो बीटा की 20 से अबव आएगी और इट कैन गो अप टू 500 तक जा सकती है इसकी वैल्यू। अब अगर हमें बीटा और अल्फा के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए यहाँ पे डेरिवेशन गिवन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जनरली ये क्वेश्चन आ जाता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड अल्फा। तो हमें पता है कि बीटा इक्वल्स टू होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, अल्फा इक्वल्स टू होता है आपका डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। अब आई ई क्या होता है आपका? आई इक्वल्स टू होता है आई बी प्लस आई सी। सो इसका डिफरेंशिएशन लोगे या कह लो डिफरेंस लोगे तो डेल्टा आई ई इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। अब इसको रीअरेंज करोगे तो डेल्टा आई बी हो जाएगा आपका डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई सी। नाउ बीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी? डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी। तो हमने डेल्टा आई बी को रिप्लेस कर दिया इस वैल्यू से, डेल्टा आई ई अपॉन माइनस डेल्टा आई सी। इसके बाद हमें अल्फा से रिलेट करना है, तो अल्फा की वैल्यू हमें पता है कि डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई होता है। तो हमें इस इक्वेशन से ये देखने को मिल रहा है कि अगर हम डेल्टा आई ई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दें तो अल्फा का डायरेक्ट रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, ऊपर नीचे डेल्टा आई से डिवाइड कर दिया। सो डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई ई, यहाँ पे ये कैंसिल होके वन मिल जाएगा और इसकी वैल्यू हमें पता है यहाँ से अल्फा है। तो बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा आपका अल्फा अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ये हो गया इसका डेरिवेशन। डेरिवेशन क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? किसी को डाउट है डेरिवेशन में? ओके, देन एक्सप्रेशन फॉर कलेक्टर करंट। अब यहाँ पे हमें आउटपुट करंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। सो आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ। ये पहले वाले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन से हमें मिला था। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हमें ये आइडेंटिटी पता है कि आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई प्लस आई सी बी होता है। नाउ आई ई इक्वल्स टू होगा आपका आई बी प्लस आई सी। आई बी प्लस आई सी में आई सी आप रिप्लेस कर दो प्रीवियस इक्वेशन से। सो आई बी प्लस अल्फा टाइम्स आई ई प्लस आई सी बी ओ। अब आई ई इधर भी है और लेफ्ट साइड में भी आई ई एग्जिस्ट कर रहा है, तो दोनों को एक साइड आप लेते हो। सो आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 माइनस अल्फा से डिवाइड करने के बाद आई बी डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा प्लस आई सी बी ओ डिवाइड बाई 1 माइनस अल्फा। इस एक्सप्रेशन को आप बीटा प्लस 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे बीटा प्लस 1 से भी आप इसको रिप्लेस कर दोगे। अगर आप बीटा में जो आपका बीटा आ रहा है इसमें प्लस 1 आप ऐड कर दो, प्लस वन दोनों साइड ऐड करोगे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस वन माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा और आपका आएगा वन माइनस वन अपॉन वन माइनस अल्फा। सो बीटा प्लस वन को हमने रिप्लेस कर दिया, वन अपॉन वन माइनस अल्फा को हमने रिप्लेस कर दिया बीटा प्लस वन से। सो टोटल जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा आई ई का वो आएगा आपका आई ई इक्वल्स टू बीटा प्लस वन आई बी प्लस बीटा प्लस वन आई सी बी ओ, ठीक है?
ये आपका रिलेशन आ गया। अब इसी को आप आईसी भी लिख सकते हो। क्यों हम आईसी लिख सकते हैं? क्योंकि आईबी की जो वैल्यू होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और हमें किसी कंडीशन में ऐसा है कि हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे आईबी की वैल्यू, तो हम जनरली क्या करते हैं कि आईसी को आईई के इक्वल मान लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन में आप देखोगे, अगर न्यूमेरिकल वैसा आप करोगे तो, कि आईसी को आईई के इक्वल हम मान लेते हैं। तो इस केस में यहाँ पे आप आईसी आईई इक्वेट कर सकते हो, मतलब इक्वल रख सकते हो। लेकिन फाइनली अगर आप देखोगे तो आईई इक्वल्स टू बीटा प्लस वन आईबी प्लस बीटा प्लस वन आईसीबीओ होना चाहिए। तो इस एक्सप्रेशन को और सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, बीटा प्लस वन आईसीबीओ को एक अलग एक्सप्रेशन दे सकते हो। इसके लिए क्या होगा, तो इस फिगर से आप देखो, इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है व्हेन इनपुट इज ओपन, उसी को हम बोलते हैं वहाँ पे माइनॉरिटी करंट या रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्योंकि यहाँ पे आपका रिवर्स बायस अप्लाई होता है, इस साइड में आपका रिवर्स बायस अप्लाई होता है, तो जंक्शन से जो पास करेगा वो हमेशा आपका माइनॉरिटी कैरियर की वजह से फ्लो होगा, और जो करंट होगा वो एक सिंगल करंट होगा। इधर से इनपुट का कोई करंट नहीं आएगा क्योंकि ये ओपन सर्किट है। जब ओपन सर्किट है तो यहाँ पे हम इसका नाम क्या दे सकते हैं, ICEO, करंट बिटवीन कलेक्टर टू एमिटर व्हेन बेस इज ओपन। तो जैसे हमने प्रीवियस केस में ICBO देखा था, ICBO क्या था आपका, कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर इज ओपन। यहाँ पे आप याद करो, ये जो एक्सप्रेशन था ICBO, इसका मतलब हमने क्या बताया था, कलेक्टर टू बेस व्हेन एमिटर इज ओपन। तो सेम प्रोसीजर आपको इधर भी अप्लाई करना है आउटपुट करंट में, कलेक्टर टू एमिटर व्हेन बेस इज ओपन, तो ICEO हो जाएगा। तो कहीं कहीं किसी किसी आपको बुक्स में ये एक्सप्रेशन भी मिल सकता है कि आई इक्वल्स टू बीटा प्लस वन आई बी आई सी ई ओ। सो आई सी ई ओ इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, बीटा प्लस वन आई सी बी ओ। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये एक्सप्रेशन। इसके बाद हम बात करेंगे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, दैट डिपेंड्स ऑन दी इनपुट वेरिएबल्स। इनपुट वेरिएबल्स क्या है हमारे पास, तो इनपुट वेरिएबल आप बताओ क्या होगा, क्या होना चाहिए इनपुट वेरिएबल, बताइए। आई बी एंड वी बी। ठीक है, सबको क्लियर होगा आई थिंक। इनपुट वेरिएबल क्या है आपका, सिग्नल यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, तो करंट इज आई बी एंड वोल्टेज इज वी बी ई, तो वी बी ई एंड आई बी इज आर इनपुट वेरिएबल्स। तो इनपुट वेरिएबल्स के बीच में हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना है। सो आई बी और वी बी ई के बीच में आप कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे यहाँ पे, कि जैसे जैसे हम वी सी ई, जो आपका रिवर्स पोटेंशियल है आउटपुट पे जो आपने लगा रखा है बायसिंग वोल्टेज, वो जैसे जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे करंट की वैल्यू डिक्रीमेंट की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलता है इस केस में कॉमन इमिटर में। और आई बी इंक्रीजेज रैपिडली विथ वी बी, इट मीन्स इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, आई ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ वी सी ई, आई बी इज ऑफ रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर्स। नाउ इस केस में अगर आप रेजिस्टेंस से कंपेयर करना चाहो, तो जैसे जैसे आप वी सी ई की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे क्या हो रहा है, स्लोप की वैल्यू घट रही है। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है, टेंजेंट जो भी आप ड्रॉ करोगे उसका स्लोप घटेगा, और जब स्लोप घटेगा तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर आप वी सी ई की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो इस केस में आपका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके बाद आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। सो जैसे हमने कॉमन बेस में देखा था वैसे ही आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं वो अब वी सी ई एंड आई सी हो जाएंगे। वी सी ई आपका कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है, एंड आई सी इज कलेक्टर करेंट। सो इनके बीच में आपको ड्रॉ करना है।
और ये VCE सेचुरेशन मींस ये वाला जो शेडेड रीजन है ये आपको देगा सेचुरेशन रीजन, जो इधर का रीजन है ये एक्टिव रीजन कहलाता है, और जो नीचे वाला रीजन है वो कहलाता है कट ऑफ रीजन, ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके नीचे आपका करंट जीरो है। सो VCE वर्सेस IC कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। IC वेरीज लीनियरली विथ VCE ओनली व्हेन VCE इज वेरी स्मॉल। तो जब VCE बहुत स्मॉल है तब IC आपका लीनियरली वेरी कर रहा है, ठीक है, VCE पे। बट आफ्टर सम वोल्टेज, एक सेचुरेशन वोल्टेज है VCE सेट, उसके बाद आपका रिलेशन चेंज हो जाता है IC और VCE में। नाउ इनपुट रेजिस्टेंस, द रेशियो ऑफ चेंज इन एमीटर टू बेस वोल्टेज टू द चेंज इन बेस करंट इज कॉल्ड इनपुट रेजिस्टेंस। तो जो इनपुट वेरिएबल्स हैं उनका रेशियो आप ले लोगे तो इनपुट रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और जो आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनका रेजिस्टेंस, अगर उनका रेजिस्टेंस मेजर करना है तो आउटपुट वेरिएबल्स के बीच का रेशियो ले लोगे आप। तो जैसे हमने प्रीवियस केस में डिस्कशन किया था वैसे ही सेम आपका यहाँ पे भी डिस्कशन होगा। देन लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या होता है कि कलेक्टर को आपको कॉमन रखना है। तो इस केस में आप देख सकते हो कॉमन कलेक्टर कैसे हो रहा है। ये वाला टर्मिनल आपका कलेक्टर है क्योंकि एरो इस वाले पोजीशन पे है। ये वाला पोजीशन मतलब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एमीटर को इंडिकेट कर रहा है। तो ये एमीटर हो गया, इसका ऑपोजिट कलेक्टर हो गया, और ये आपका बेस हो गया। नाउ इनपुट आपको दिया जाएगा, वो इनपुट दिया जा रहा है आपका बेस और कलेक्टर के बीच में, और आउटपुट जो लिया जा रहा है वो एमीटर और कलेक्टर के बीच में लिया जा रहा है, ठीक है। तो इनपुट वेरिएबल और आउटपुट वेरिएबल यू कैन आइडेंटिफाई कि क्या होंगे। इनपुट वेरिएबल ऑब्वियसली आपका VCB होगा और IB होगा क्योंकि कलेक्टर और बेस इनपुट वेरिएबल्स हैं। आउटपुट वेरिएबल क्या होगा आपका, IC होगा और क्या होगा, VCE होगा, ठीक है, क्योंकि कलेक्टर और एमिटर आउटपुट वेरिएबल में है। तो VCE आपका आउटपुट वेरिएबल हो जाएगा और IC करंट भी आउटपुट वेरिएबल होगा। नाउ फिगर शोज कॉमन कलेक्टर NPN कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकंड फिगर शोज कॉमन कलेक्टर PNP कॉन्फ़िगरेशन। तो PNP कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होगा, बस एरो चेंज कर दिया है और बाकी चीज़ें सेम है। नाउ आउटपुट मेजरमेंट किसके बीच में हो रहा है ये देख लो आप। आउटपुट का जो टर्मिनल है वो कलेक्टर से एमीटर की तरफ गया है, ठीक है। सो कलेक्टर और एमीटर के बीच में हमें आउटपुट मेजर करना है। यहाँ पे इनपुट आपको एज इट इज बेस और कलेक्टर के बीच में देना होगा। अब जैसे हमने कॉमन बेस पे अल्फा एम्पलीफिकेशन फैक्टर देखा, कॉमन एमीटर में बीटा एम्पलीफिकेशन फैक्टर देखा, कॉमन कलेक्टर का जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होता है उसको हम बोलते हैं गामा, ठीक है। तो गामा आपका क्या होगा, डेल्टा आई बाई डेल्टा आई बी, क्योंकि यहाँ पे जो करंट है आउटपुट का वो आई है, ठीक है, करंट आपका आई है और इनपुट क्या है आपका आई बी है। तो इसीलिए जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर होगा वो आउटपुट अपॉन इनपुट करेंट्स का होगा। सो द रेशियो ऑफ चेंज इन एमिटर करंट टू द चेंज इन बेस करंट इज नोन एज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इन कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। दिस सर्किट प्रोवाइड्स सेम गेन एज सी कन्फिग्रेशन एज, ठीक है। तो सी कन्फिग्रेशन में जैसे आप देखते थे जो कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन था वहाँ पे आपको एम्पलीफिकेशन फैक्टर एल्फा मिलता था, ठीक है, यहाँ पे आपको जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है वो गामा मिल रहा है। तो जस्ट अ मोमेंट, तो यहाँ पे जो डेल्टा आई सी, डेल्टा आई है वो डेल्टा आई सी के इक्वल होगा। तो डेल्टा आई सी के इक्वल होगा क्योंकि जो बेस करंट होता है वो बहुत ही कम हम मान के चलते हैं। तो इसका जो एम्पलीफिकेशन फैक्टर है जो गामा है वो आप कॉमन एमिटर की तरह भी एज्यूम कर सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ पे डेल्टा आई को डेल्टा आई सी से रिप्लेस कर दिया जाए तो गामा इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा।
सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? कॉमन कलेक्टर में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है आपको? इसका एम्पलीफिकेशन फैक्टर एज इट इज आपका जैसे आपने देखा था उसमें वैसे ही होगा कॉमन एमिटर में। कॉमन एमिटर में और कॉमन कलेक्टर में ज़्यादा चीज़ें कॉमन होती हैं क्योंकि इनका एम्पलीफिकेशन फैक्टर ऑलमोस्ट सेम होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो आई बी होता है वो बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट 5% ऑफ आई ई, और उसकी वजह से डेल्टा आई ई आपका डेल्टा आई सी के इक्वल हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे डेल्टा आई ई को रिप्लेस करके डेल्टा आई सी रख देते हो तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी आप एल्फा बोल सकते हो। सो गामा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एल्फा, यू कैन से दैट। नाउ रिलेशन बिटवीन गामा एंड अल्फा, गामा एंड अल्फा के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी आप याद रख सकते हो कि कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो गामा की वैल्यू हमें पता है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी है। नाउ अल्फा इक्वल्स टू है डेल्टा आई सी डिवाइड बाई डेल्टा आई ई। आई ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका आई बी प्लस आई सी, ये हमें पता है। डेल्टा आई इसी को आप डेल्टा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करोगे तो डेल्टा आई इक्वल्स टू हो जाएगा डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। नाउ डेल्टा आई बी को हम रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो गामा में हम डेल्टा आई बी को रिप्लेस कर सकते हैं डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। सो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपको। अब हमें ये पता है कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा आई ई से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड कर दें तो हमें अल्फा का रिलेशन मिल जाएगा। तो डेल्टा आई से आप डिवाइड कर दो, जब डिवाइड करोगे तो ये वन हो जाएगा, ये भी वन कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका अल्फा हो जाएगा। सो गामा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वन अपॉन वन माइनस अल्फा। आई थिंक ये क्लियर है सबको रिलेशन कैसे आएगा। हाँ या ना में जवाब दो। यस ओके। इसके बाद अब आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो यहाँ पे कि गामा की जो वैल्यू है वो वन अपॉन वन माइनस अल्फा है, और प्रीवियस केस में मैंने जो हमने देखा था वहाँ पे वन प्लस बीटा की वैल्यू थी वन अपॉन वन माइनस अल्फा, ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे हमने लिखा था वन अपॉन वन माइनस अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस वन। तो वी कैन से दैट कि जो गामा की वैल्यू है उसको आप बीटा के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो यू कैन ईजिली राइट इट एज गामा इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस अल्फा इक्वल्स टू बीटा प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं कि गामा अल्फा और बीटा में रिलेशन क्या है। क्लियर है, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? यस सर। ओके सो आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ आई इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आई सी और आई ई जो है उसका रिलेशन फिर से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो सेम जैसे हमने प्रीवियस केस में किया था वैसे ही यहाँ पे भी हम कर रहे हैं, और यहाँ पे अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन हमने फाइंड आउट किया है। तो ये प्रीवियस केस की तरह कुछ इसमें डिफरेंट नहीं है। सो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आता है गामा इक्वल्स टू बीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज होल्डिंग, मतलब गामा इक्वल्स टू अल्फा बीटा प्लस वन इक्वल्स टू वन अपॉन वन माइनस अल्फा। तो ये रिलेशन प्रूव करने के लिए आपको सारी की सारी डेरिवेशन याद रखनी होगी। तो डेरिवेशन याद रखने का सिंपल सा तरीका क्या है कि बस आपको गामा अल्फा और बीटा का जो मेन रिलेशन है वो फाइंड आउट करना है, ये आपको याद रखना है बस, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा आई बी और डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई। जब आपको ये याद हो गया तो हमें ये पता है कि किसी भी रिलेशन में हम इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें अल्फा और गामा के बीच में रिलेशन निकालना है तो यहाँ मैं डेल्टा आई ई को रिप्लेस कर दूंगा डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी से, ठीक है, या डेल्टा आई सी को रिप्लेस कर दूंगा डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी से। तो ऐसे करके हम खुद से एक दूसरे के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, हमें ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें क्या चाहिए,
एक तो ये पता होना चाहिए कि आई इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, ये बहुत ही ईजी है याद रखना, और ये रिलेशंस अगर आपको याद हो गए तो यू कैन ईजिली डिराइव इट। इसके बाद कंपैरिजन ऑफ ट्रांजिस्टर कनेक्शन, कंपैरिजन भी होता है इनके बीच में, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कभी कभी आपसे डायरेक्टली कंपैरिजन पूछा जा सकता है कि कंपेयर ऑल द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर्स, सो कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के बीच में क्या कंपैरिजन है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे पाँच ही हमने दिखाए हैं, बहुत सारे होते हैं क्योंकि वो सारी चीज़ें, वो सारे टर्म्स अभी हमने डिफाइन नहीं किए हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस करने का भी मतलब नहीं है। तो इनपुट रेजिस्टेंस की बात करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस में लो होता है अबाउट 100 ओम्स, कॉमन एमिटर के केस में भी लो होता है अबाउट 750 ओम्स, बट इन कॉमन कलेक्टर ये बहुत ही हाई होता है अबाउट 750 किलो ओम्स। आउटपुट रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो कॉमन बेस में बहुत ही हाई होता है अप्रॉक्सीमेटली 450 किलो ओम्स, कॉमन एमिटर में उससे मॉडरेट होता है अबाउट 45 किलो ओम्स, और कॉमन कलेक्टर में सबसे लो आउटपुट रेजिस्टेंस हमें मिलता है। देन वोल्टेज गेन की अगर हम जब बात करते हैं तो अभी तक जो हमने देखा था वो सारे के सारे जो पैरामीटर्स थे वो करंट गेन थे, ठीक है, अगर आपको याद हो जितने भी हमने पैरामीटर्स फाइंड आउट किए अल्फा बीटा गामा, उसको हमने इन टर्म्स ऑफ करंट रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, यहाँ पे सारे के सारे करंट के टर्म्स में रिप्रेजेंटेड है। तो यहाँ पे हमने वोल्टेज को कंपेयर नहीं किया था, बट वोल्टेज गेन को अगर आप कंपेयर करोगे तो वोल्टेज गेन को फाइंड आउट करने के लिए वही ओरिजिनल तरीका आपका जो आई सी इक्वल्स टू अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ है, उसी को आप डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज में रिलेशन इस्टेब्लिश करोगे। तो वहाँ से जब आप फाइंड आउट करोगे तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वोल्टेज गेन वहाँ से मिल जाएगा आपको। तो आप याद रखो कि वोल्टेज गेन कॉमन बेस में अबाउट 150 होता है, कॉमन एमिटर के केस में अबाउट 500 होता है, और कॉमन कलेक्टर के केस में लेस देन 1 होता है। एप्लीकेशंस इनके क्या है, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर और कॉमन कलेक्टर के, सो फॉर हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस कॉमन बेस आर जनरली यूज्ड। कॉमन एमिटर का यूज़ कहाँ होता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस में, और कॉमन कलेक्टर का फॉर इम्पीडेंस मैचिंग में। तो इम्पीडेंस मैचिंग में क्यों होता है, क्योंकि इसका आउटपुट इम्पीडेंस बहुत ही लो होता है, सो यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग हम इजीली कर सकते हैं जहाँ पे आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है। करंट गेन हमें पता है, करंट गेन हमने डिस्कस कर ही रखा है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होती है, सो करंट गेन लेस देन 1 होती है इस केस में, जो कॉमन बेस में अल्फा देखा है हमने, कॉमन एमिटर में हमने बीटा देखा था जिसकी वैल्यू बहुत ही हाई होती है, और कॉमन कलेक्टर में भी अप्रॉक्सीमेटली 1 ही होती है। किसी को डाउट अभी तक? इसके बाद आता है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। अब हम जो सबसे अच्छा एम्पलीफायर होता है वो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर होता है। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम एक्टिव रीजन में काम करते हैं तो जो हमें आउटपुट मिल रहा है वो एम्पलीफाई होकर मिलता है, और सबसे अच्छी एम्पलीफिकेशन जो होती है वो कॉमन एमिटर में होती है। क्यों होती है कॉमन एमिटर में एम्पलीफिकेशन? क्योंकि कॉमन एमिटर में जो गेन हमें मिल रहा है वो बहुत ही हाई मिल रहा है, ठीक है। देखो आप, करंट गेन भी हाई है और वोल्टेज गेन भी हाई है, तो जनरली हमें एम्पलीफिकेशन में क्या चाहिए, करंट और आउट वोल्टेज दोनों हाई चाहिए। तो अगर दोनों हाई चाहिए तो हम किसको प्रीफर करेंगे? ऑब्वियसली कॉमन एमिटर को। तो कॉमन एमिटर का हमें यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है एम्पलीफायर के केस में। तो जो भी मार्केट में आपको एम्पलीफायर्स मिलेंगे, अगर वो बीजेटी पे बेस्ड है, बीजेटी पे मैन्युफैक्चर्ड है, तो वो बेसिकली इसी कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करते हैं, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सबको क्लियर है? क्लियर है सबको? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ या ना में जवाब दो प्लीज। सुन रहे हो या सारे सो गए? यस सर। यस सर।
ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन सी कॉन्फ़िगरेशन, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में हम एज ए एम्पलीफायर यूज़ करते हैं। नाउ फिगर में आप देख सकते हो इनपुट जो हमने प्रोवाइड किया है वो साइनोसोइडल सिग्नल है और आउटपुट में भी हमको साइनोसोइडल मिल रहा है। सी फिगर शोज सी एम्पलीफायर फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर के हेल्प से हम इस एम्पलीफायर को बना रहे हैं। बैटरी वीबीबी इज कनेक्टेड विथ बेस इन ऑर्डर टू मेक बेस फॉरवर्ड बायस्ड रिगार्डलेस ऑफ इनपुट एसी पोलैरिटी। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमेशा फॉरवर्ड बायस अप्लाई करने के लिए, मतलब हमेशा ये सिचुएशन रहे कि फॉरवर्ड बायस में बेस इमिटर जंक्शन रहे, उसके लिए हम क्या करते हैं ये बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ये पता है कि अगर हम डायरेक्टली सिग्नल को अप्लाई कर दिए तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव रीजन आ रहा है, कुछ नेगेटिव आ रहा है, देन फिर पॉजिटिव आ रहा है, देन नेगेटिव आ रहा है, तो यहाँ पे जो आपको डायोड है बेस एमिटर के बीच में वो फ्लक्चुएट होगा। एक बार फॉरवर्ड बायस में होगा, फिर रिवर्स बायस में होगा, फिर फॉरवर्ड बायस में होगा, फिर रिवर्स बायस में होगा, तो यहाँ पे जो आपको आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, क्लिप्ड आएगा, मतलब कटा हुआ आएगा। फॉरवर्ड बायस में तो एज इट इज़ आ जाएगा, बट रिवर्स बायस में कुछ कटा हुआ आएगा। तो उसको अवॉइड करने के लिए, इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही एक बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। वो बायसिंग वोल्टेज क्या करेगा, इस सिग्नल को ऊपर कर देगा, लिफ्ट कर देगा। जब लिफ्ट करेगा, सपोज़ इस सिग्नल में आपने प्लस 5 वोल्ट्स का एडिशन कर दिया और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 वोल्ट है। ठीक है, तो 1 वोल्ट है, तो 1 वोल्ट टू माइनस 1 वोल्ट अगर पीक टू पीक वैल्यू देखोगे तो आप मिलेगी 2 वोल्ट्स। तो 5 वोल्ट अगर आपने ऐड कर दिया तो माइनस 1 वोल्ट की वैल्यू अगर 5 वोल्ट में ऐड किया तो क्या आएगा आपको, 4 वोल्ट। तो 4 टू 6 इसकी वैल्यू ऊपर शिफ्ट करेगी। तो जब 4 टू 6 इसकी वैल्यू शिफ्ट हो गई तो ऑब्वियसली अब हमेशा जो हमारे पास सिग्नल है वो पॉजिटिव है। तो जब पॉजिटिव होगा तो उस केस में ये हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेगा, और अगर यहाँ पे आपने रिवर्स बायस अप्लाई कर रखा है तो रिवर्स बायस रहेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट बायसिंग वोल्टेज एप्लीकेशन का? हेलो सर, एक बार रिपीट करना। ठीक है, सो सपोज मैं सर रिपीट ये मान के चल रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ इसको हटा दिया मैंने। ठीक है, इस बैटरी को रिमूव कर दो आप सर्किट से। जब बैटरी को रिमूव कर दिया आपने सर्किट से तो ये जो जंक्शन है बेस एमिटर जंक्शन वो डायरेक्टली आपका साइनोसोइडल से कनेक्टेड है, हाँ या ना में जवाब दो। कनेक्टेड है, यस सर, यस सर। बैटरी आपने जब रिमूव किया तो ये बैटरी को हटा के आपने शॉर्ट कर दिया, मतलब एक सिंपल वायर से कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपका साइनोसोइडल वेव दिया जा रहा है इनपुट पे। जब आप साइनोसोइडल वेव दे रहे हो तो साइनोसोइडल का प्रॉपर्टी क्या है, कुछ टाइम तक ये पॉजिटिव रहेगा, कुछ टाइम तक नेगेटिव रहेगा, फिर कुछ टाइम तक पॉजिटिव रहेगा, फिर कुछ टाइम तक नेगेटिव रहेगा। तो जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक तो ये फॉरवर्ड बायस रहेगा, फॉरवर्ड बायस रहेगा तो ऑब्वियसली आपका एम्पलीफिकेशन देगा। बट मान लो ये नेगेटिव रीजन में स्विच कर गया, तो जैसे ही ये नेगेटिव रीजन में स्विच करेगा तो यहाँ पे ये रिवर्स बायस हो जाएगा डायोड। ठीक है, ये जो डायोड यहाँ पे लगा हुआ है ये डायोड आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, और रिवर्स बायस में हमें पता है कि आउटपुट ज़ीरो होता है। अगर आपको हाफ वेव रेक्टिफायर का फंक्शन याद हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था, जब हम साइनोसोइडल का सिग्नल अप्लाई करते थे तो हाफ वेव तो एज इट इज़ आता था आउटपुट में, बट जो बाकी का हाफ वेव होता था वो क्लिप्ड आता था, मतलब वो कट जाता था और ज़ीरो वोल्ट मिलता था। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बायसिंग वोल्टेज अप्लाई करते हैं। बायसिंग वोल्टेज क्या करेगा, इस सिग्नल को लिफ्ट करेगा ऊपर की साइड, पॉजिटिव साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज प्रोवाइड करना है। क्लियर है सबको अब? किसी को डाउट है अभी भी? आई होप किसी को डाउट नहीं होगा। सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। आउटपुट इज टेकन अक्रॉस लोड आर, तो ये लोड आर है इसके अक्रॉस हमें आउटपुट देना है, देखना है। ठीक है,
नाउ इसका भी वही रोल है, इस बायसिंग वोल्टेज का भी सेम रोल है। ये वाला जो जंक्शन है इसको हमें रिवर्स में रखना है, तभी ये एक्टिव रीजन में काम करेगा। तो इसलिए ये इतना इनफ वोल्टेज रिवर्स में हम अप्लाई करते हैं सो दैट जो आपका आउटपुट वोल्टेज आ रहा है साइनोसोइडल, वो इसको हैम्पर ना करे, इसके इफेक्ट को नलिफाई ना करे, ठीक है। तो इतना हम वोल्टेज इसमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो जनरली जो आपका सिग्नल्स होता है, सिग्नल जो हम यूज़ करते हैं वो मिली वोल्ट्स में होता है, मतलब 10^-3 रीजन का होता है, रेंज का होता है, ठीक है। तो 10^-3 ऑर्डर का अगर आप सिग्नल यूज़ करोगे तो उसमें -5 वोल्ट या -1 वोल्ट 2 वोल्ट भी आप अप्लाई कर देते हो तो कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन आपको यहाँ पे बायसिंग अप्लाई करना पड़ेगा रिवर्स बायस में। अगर नहीं अप्लाई करोगे तो सेम सिचुएशन जो आपने यहाँ पे फेस किया था वही यहाँ पे भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी कभी आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कभी आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करने के लिए हम यहाँ पे बायसिंग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। नाउ ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट एसी विल कीप द एमिटर बेस जंक्शन मोर फॉरवर्ड बायस्ड, सो मोर कैरियर विल बी एमिटेड बाय एमिटर। दिस ह्यूज करेंट विल फ्लो थ्रू डायोड थ्रू लोड एंड वी विल फाइंड आउटपुट एम्पलीफाइड सिग्नल। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट एसी विल कीप द एमिटर बेस जंक्शन लेस फॉरवर्ड बायस्ड, सो लेस कैरियर विल बी एमिटेड बाय एमिटर, हेंस कलेक्टर करेंट डिक्रीजेस। दिस रिजल्ट्स इन डिक्रीज्ड आउटपुट वोल्टेज इन अपोजिट डायरेक्शन। तो आई थिंक ये सबको ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन सी कॉन्फ़िगरेशन क्लियर होगा। तो अगर आपको एक्सप्लेन करने को आता है कि हाउ डज ट्रांजिस्टर बिहेव एज एन एम्पलीफायर इन सी कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको इस पूरे प्रोसीजर को लिखना पड़ेगा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नाउ इनिशियल की क्लासेस में बीजेटी के मैंने आपको बताया था कि इसका कैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए आप देख सकते हो ये आपका एनपीएन दिया हुआ है, ये आपका पीएनपी दिया हुआ है। एनपीएन में इस पोजीशन पे सबसे पहले हम करते क्या है, आपके पास एक सिलिकन का वो होगा, क्रिस्टल होगा। सिलिकन के क्रिस्टल में सबसे पहले सिलिकन क्रिस्टल होगा तो ऑब्वियसली वो प्योर सेमीकंडक्टर होगा। तो प्योर सेमीकंडक्टर में हम सबसे पहले डिफ्यूजन करते हैं एन का, एन टाइप का। तो जो ग्रुप 5 के एलिमेंट्स होते हैं उसका हम डिफ्यूजन करेंगे। डिफ्यूजन करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, उससे थोड़ी हाई वैल्यू का पी टाइप सेमीकंडक्टर के जो एलिमेंट्स हैं, जो थर्ड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, उनका डिफ्यूजन करेंगे। उसके बाद डिफ्यूजन करने के बाद हम क्या करते हैं, फिर से जो बचता है फिर हम एन प्लस मतलब ग्रुप 5 के एलिमेंट्स का ज़्यादा और ज़्यादा कंसंट्रेशन से हम उसकी डोपिंग करेंगे। जब आप इतनी डोपिंग करोगे तो इसकी डोपिंग हम इंश्योर करते हैं कि इस एन से हमेशा ज़्यादा हो, तो इतनी हम डोपिंग यहाँ पे करते हैं। उसके बाद ये वाला पार्ट हम एच करके निकाल देते हैं, ठीक है, इसको हम काट के निकाल देंगे। जब आप काट के निकाल दोगे तो उसके बाद से ये वाला पार्ट हम मेटलाइज कर देते हैं। मेटलाइज करने का मतलब एल्यूमिनियम या कुछ ऐसा मटेरियल यूज़ करेंगे, मेटल को, जिससे यहाँ पे कोई भी मतलब कंडक्शन में प्रॉब्लम ना आए। तो कंडक्शन में प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम मेटलाइजेशन यहाँ पे कर देंगे। मेटलाइजेशन करने के बाद जो टर्मिनल्स हैं उनसे कनेक्ट कर देंगे। तो एक टर्मिनल आपका एमिटर होगा, एक आपका बेस हो जाएगा और तीसरा आपका कलेक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका देख सकते हो ये एमिटर है जो एन प्लस से कनेक्टेड है, ये भी एमिटर से कनेक्टेड है, ये वाला पी से कनेक्टेड है तो बेस हो गया यहाँ पे, और ये वाला एन से कनेक्टेड है तो कलेक्टर हो गया। तो ऐसे हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऐसे नहीं कि आप दो पीएन जंक्शन डायोड हैं और उनको रिवर्स करके आपने उसको कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे नहीं करते हम इस तरह से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। नाउ जैसे आपने एनपीएन बनाया वैसे ही आप पीएनपी बना सकते हो, और जो उसके टर्मिनल की वैल्यू है वो आप लिख सकते हो एमिटर बेस कलेक्टर। सो आई थिंक सबको क्लियर होगा ये बीजेटी क्रॉस सेक्शन कैसे है। इसके बाद ऑल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनपीएन। सो अगर आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर में कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन एमिटर को इंडिकेट करना है, तो इसके लिए इस तरह से आप
दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है आप सोच के बताओ। अब मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया है, ये पहला वाला कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, सी सी बी सी सी बताइए। क्वेश्चन समझ में आ रहा सबको? अरविंद, वैभव, आदित्य, आदर्श, अभिषेक, अभिरूप, अरुदेर, आर्या। सॉरी प्रिंसिपल, क्या हुआ? यस सर, यस सर। हाँ तो बताइए ये पहला वाला क्या होगा, सी सी बी सी सी कौन से कॉन्फ़िगरेशन में है ये? कॉमन बेस, कॉमन बेस है ये वाला, कॉमन बेस है। किसको किसको लग रहा है कॉमन बेस है? हेलो, अभी नीचे वाला कॉमन बेस में जो मैंने पूछा वो वाला कौन सा है, ये फर्स्ट वन कौन सा है, सी या सी बी या सी सी कौन सा है? सी। किसी को कॉमन बेस या कॉमन कलेक्टर लग रहा है ये? अमन, अनिकेत, अनिशा, अंजलि, अंकिता, समझ में आ रहा है आपको? देखो कॉमन एमिटर है, ऑब्वियसली कॉमन एमिटर क्यों है, क्योंकि एमिटर टर्मिनल आपका कॉमन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरो इंडिकेट कर रहा है एमिटर। सबसे पहले आप ये फाइंड आउट करोगे कि कौन सा टर्मिनल है ये, तो ये आपका टर्मिनल एमिटर है क्योंकि यहाँ पे एरो दिख रहा है। एमिटर होने के बाद इस चीज़ को आप कॉमन कर रहे हो बेस के साथ भी और कलेक्टर के साथ भी। यहाँ पे आप इनपुट दोगे और यहाँ पे आप आउटपुट दोगे, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं कॉमन एमिटर। दूसरा तरीका क्या है, जितने भी टर्मिनल हैं जो ग्राउंडेड हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, आपको मिल जाएगा कि कौन सा कनेक्शन है। तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स मिलता है बहुत, तो कॉम्प्लेक्स केस में आप क्या करना कि पहले ये ढूंढना कि कहाँ कहाँ पर ग्राउंड गए, ठीक है? ऐसा कुछ कनेक्शन होगा कि कहीं पर कोई ग्राउंड होगा, कहीं पर कोई ग्राउंड होगा, तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है ग्राउंड कहाँ पे। जो ग्राउंडेड है वही कॉमन है, तो यहाँ पे ये ग्राउंडेड है मतलब एमिटर इज कॉमन। सिमिलरली इस केस में देखो आप, अगर आपका यहाँ पे एरो इस साइड से जा रहा है मतलब ये वाला टर्मिनल आपका एमिटर है, तो इसका ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, कलेक्टर हो जाएगा। तो कलेक्टर वाला आपका ग्राउंडेड है मतलब कि कॉमन कलेक्टर, ठीक है? इस वाले केस में क्या है, यहाँ पे ये छूट गया है ग्राउंड बनाना, बट यू कैन सी कि इनपुट कहाँ पे लिया जा रहा है, आउटपुट कहाँ पे लिया जा रहा है। इनपुट लिया जा रहा है आपका एमिटर और बेस के बीच में, और आउटपुट लिया जा रहा है कलेक्टर और बेस के बीच में। कॉमन क्या हो रहा है, बेस, ठीक है? तो बेस इज कॉमन, यहाँ पे एक आप ग्राउंड लगा दोगे तो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कॉमन एमिटर, ये हो गया आपका कॉमन कलेक्टर, और ये हो गया आपका कॉमन बेस। सो आई थिंक सबको ये क्लियर होगा, किसी को डाउट है तो अभी। यस सर, नो डाउट सर, यस सर। इसके बाद है बीजेटी एज स्विच, सो इसके बाद का लेक्चर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है? सो आईएमसीआरपी आप चेक कर लो एक बार, आईएमसीआरपी में आपका टेस्ट जनरेटेड है और यस सर काम कर रहा है आईएमसीआरपी, ठीक है? सो किसी को भी अभी कहीं भी अभी डाउट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, देन प्लीज आस्क, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन। और जो टेस्ट टाइमिंग है वो अप टू 4 PM है, तो विद इन 4 PM आपको टेस्ट सबमिट करना है। तो मेरा यही सजेशन है सर, गूगल क्लास लोकेशन PPT अपडेट कर दीजिएगा। हाँ वो अपडेट कर दूंगा मैं जैसे ही ये सर रिवीजन के लिए। हाँ हाँ मैं अभी अपडेट कर दूंगा जैसे ही ये कंप्लीट होता है ये आपका यूनिट, वैसे ही, क्योंकि अभी इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स बाकी हैं, तो न्यूमेरिकल मैं ऐड करके उसको फिर अपडेट कर लूँगा।
which book you use for representation? I didn't get your question, Azazul. देखो जो कॉमन बुक हम यूज़ कर रहे हैं वो आपका बॉयलिस्टेड है. बॉयलिस्टेड ऑथर का नाम है, आप सिंपली सर्च करना गूगल पे तो आपको बॉयलिस्टेड बुक मिल जाएगा. गूगल क्लासरूम कोड आपको मैं बताता हूँ, गूगल क्लासरूम कोड क्या है.